थाने के पांच पाखरी गार्डन के जॉगिंग पॉइंट पे सिर्फ टूटे रास्ते, दारू की बोतलें और कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसके कारण नागरिकों को वहां बैठने और जॉगिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई गिर जाता है तो किसी के पैर में कांच के टुकड़े धंस जाते हैं। ऐसे में ठाणे कांग्रेस ओबीसी सेल अध्यक्ष ने एक आंदोलन किया, जिसमें यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रशासन अपने काम की ओर ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, नगर निगम के अधिकारी देखिए कि इतनी दुरावस्था इन्होंने गार्डन की करके रखी है। ये गार्डन में जो जॉगिंग ट्रैक है, वो जॉगिंग ट्रैक टूटा हुआ है, जगह जगह पे डंपिंग ग्राउंड जैसी हालत है, तो वहाँ पे सांस भी आप नहीं ले सकते हो, इस तरह की हालत ये गार्डन की है। इसलिए हमने जो जो जगह की जो जो समस्या है वहाँ पे बैनर लगा के प्रशासन की ओर उनको दिखाने के लिए वो बैनर लगाया है कि वो देख के कम से कम इस उद्यान की सुधारणा हो और इसका सुशोभीकरण हो। कि ठाणे शहर में जो मेंटल का सर्विस रोड है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट चालू है, गार्डन बनाया जा रहा है, 12 बंगले का जो गार्डन बनाया जा रहा है, पर जिस एरिया में महानगर पालिका का मुख्यालय है, पांच पखाड़ी जिसको बोला जाता है, और ये पांच पखाड़ी का गार्डन है, और ये पांच पखाड़े की गार्डन की हालत बहुत ही बेहाल है। ठाणे के टैक्स पेयर यही चाहते हैं कि प्रशासन उनको अच्छे रास्ते दे, पानी दे और गार्डन दे। महानगर निगम के इस गार्डन की दुर्व्यवस्था करके रखी गई है। इस गार्डन में कुत्ते मरे हुए हैं, उससे कोई भी उठाने वाला नहीं है। रास्ते टूटे हुए हैं, कांच के टुकड़े इधर उधर गिरे हुए हैं, लेकिन उसे साफ करने वाला कोई नहीं है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता विशाल जायसवाल की रिपोर्ट।